मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वन मिनट वॉच कर दी डेन के नेम मीम्स बाय नीमा हब. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम डेनी नेको, वेलकम टू माय चैनल निखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. क्या वो ये एग्जांपल सेट कर रही है कि भैया बड़ी हुई हूँ, निगाह करी हूँ, एक पसंद ना आए दूसरे के पास चली जाइयो. आजकल तो प्यार दीवाना होता, मस्ताना होता टाइप का मामला है सर. अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है. एक मिनट रुक जा. शादी हुई आपकी? हां, कितने बच्चे? शादी हो रखी है. कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे. आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम, रहता हूँ फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते. फुल टाइम जितना टाइम है आप, जितना टाइम है. वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है. हाउस वाइफ है. अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने ही सिर को पीटते फिरोगे. तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मीमा आपके एक और नई वीडियो में. तो गाइस आज वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा फाड़ू होने वाली, तो एंड तक जरूर देखना. नहीं और चैनल पर जो भी नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की मीम वीडियोस आती रहती हैं. तो उससे मेरा क्या फायदा? और वीडियो को लाइक जरूर कर देना. अच्छा. और हाँ, ये वाली वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो. तो वीडियो को शुरू करते हैं. हाँ, मम्मा भी है, मेरे दो बड़े भाई भी हैं. लेकिन ये भाई क्यों होते हैं लड़कियों के, इतनी प्यारी लड़कियों के? बात तो सही है. दो बड़े भाई हैं मेरे. तुम क्या करूंगा मैंने, पहले भाइयों से दोस्ती करूं मैं क्या? अगर मैं करूं तो कैसे करूं? देखिए क्या करनी, अगर आपको मेरे रिश्ते के लिए दोस्ती करनी है तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी, बल्कि मैं उनको भी चढ़ा दूंगी इससे दोस्ती ना करें. अच्छा. लेकिन अगर आपको वैसी दोस्ती करनी है तो आप कर सकते हैं. फायदा कैसी दोस्ती का जिसमें कोई फायदा ना हो? रहा नहीं जाता. बड़ा हरामी हो. छोटे भाई से पूछता तो बड़े को का करबे जी, का काम करबे? चाबी बना हूं. चाबी बना काय करबे? चोरी कर हूं. क्या बात है सर, क्या बात है सर. चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, अपनी पोती की शादी विक्रम से हरगिज नहीं करूंगा. पिताजी तू भी चुप. आपको शर्म नहीं आती? दादाजी पे हाथ उठाया. तू भी ले. अबे मंगरू, अबे बैठा क्यों है भाई, क्यों नहीं मार रहा था? अबे मैं नहीं करूंगा यार जिम. क्यों, क्या हुई? मेरे घरवाले नहीं करने देंगे. अबे क्यों नहीं करने देंगे, बता घरवालों को, जिम करना तो बढ़िया होता है. अबे यार क्या बताऊं उनको, मैं है मैं ट्रेनर से मैंने पूछा है तो डाइट वगैरह बता दो, एकदम सस्ता जा रहा है, टी शर्टें वगैरह ढीली हो रही है. बात तो सही है एकदम यार, बहन सुख का पोषण का शिकार हो जाऊंगा. तो क्या बताई डाइट में? ट्रेनर ने बताया कि भाई डेली दूध पियो, अंडा अंडा खाओ. तो खाया कर भाई. अरे खाता हूँ यार डेली. मैंने क्या करा कि एक अंडे की ट्रे ले ली और दूध ले लिया. अच्छा. भाई डेली दो दो अंडे खाऊंगा, घर पे ले गया. फिर क्या हुआ? घर वालों ने अंडे की सब्जी बना ली है. और दूध? दूध डेली चाय बना के पीते. देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है. काला घोड़ा तो पहचानो? काला घोड़ा ये चोरी करके लाए हैं भाई, ये फ्री की चीज ना छोड़ा कुछ भी. काला घोड़ा तो आपके पास भी है घर पे? मेरे दुरा तब भी हलेगा. तू समझा? नहीं तू समझा नहीं. फीलिंग देखो बच्चों की, यहाँ पे आके कभी रऊपरा में आस पड़ोस की भाभी है कैसी है, जहर मर जाओ चाट के. सचिन को थोड़ी आई है, तुमको आई है. बुढ़ों के भी दिए जल रहे हैं भैया प्यार में, बुढ़े भी कर. अरे आ गई प्यार में रहन दियो. कह रही है रूम में से बाहर नहीं जाती. पाकिस्तान दिखाती थी मैं फोन पे. कहाँ दिखाती थी पाकिस्तान? क्या रूम में ही था पूरा पाकिस्तान? समझ रहे हो? कितना फिर सारे? हाँ जी भाई, ते आज आपा वैंकूवर ते जंगल सफारी करन आए हैं इत्थे. हाँ जी हरदीप भाई, तुहानू कितना दा फील हो रहा इत्थे? आहा की बुंड मार ली साडी.
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। कहाँ से सीखा ये हलवा बनाना तेने? दादी से। अच्छा, वो कहती थी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से फूटता है। अच्छा, ले मेरी दादी तो कह रही थी कि पेट के नीचे वाले हिस्से से फूटता है। सब प्यार देते हम इसको, कितना प्यार करते हम इसको, आपको पता नहीं है। चिंगम का मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाती। क्या बोलती है? मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाती। अच्छा, तभी इसको अंडे पसंद है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं संगम विहार के देवली स्कूल पे हूँ, और जैसा कि देखा गया है हर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होती है। बात तो सही है, पर क्या उन्हें अपना डे भी याद है? आइए एक स्कूल ग्रुप खड़ा है, उनसे बात करते हैं। एक सेकंड गाइस, हेलो, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ पता है। अच्छा, तो आपको अपना डे भी पता है, किस डे को हुए थे? हाँ डे भी पता है। अच्छा, आप किस डे को हुए थे? जी मैं तो मंडे को हुआ था। अच्छा, मंडे को। और आप? वेनसडे को। वेनसडे को। और आप? हम संडे को। मैं क्यों झूठ बोल रहा है, संडे की तो छुट्टी होती है भाई साहब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ओह माय गॉड मिस्टर सर्जेंट, यू गॉट मी पुलिस यूनिफॉर्म। यू मेड माय डे मिस्टर सर्जेंट। गॉड, आपको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन आपके पास और बहुत कुछ है मैडम। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। What will you do if you become Prime Minister of India for one day? एक दिन के लिए अफ्रीकन मंगवाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तना गजनी का सलमान खान, शाहरुख, गजनी में शाहरुख खान था। साले बंदर, इतना भी पता नहीं है गजनी में सैफ अली खान था। हम तो चुपके हैं। क्या ना, मैं मिस्टर खेकड़ा से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। खेकड़ा? इजाजत है। थैंक यू योना। खेकड़ा जी, मैंने तुम जैसा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। आईना देख लेते सरकार। अरे बाप रे, गजब बेइज्जती है। बातों को मानते रहोगे कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा, मैंने जो देखी वो बता रहा हूँ। अच्छा, बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या, मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस लेती है। तू समझा? तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अबे चुप। एंड कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये कपिल शर्मा सारे डबल मीनिंग है एक्चुअली, शायद हमको तब नहीं समझ में आते होंगे। हाँ क्या पता नहीं, बट आप जब सुनते हो, जब मीम्स में आते तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है पागल। और देख देख, हम इंसान, हम कभी भी पैदा हो सकते हैं, संडे को भी पैदा हो सकते हैं। भाई सब बोल रहे हैं कि संडे के दिन छुट्टी होती है, ये कैसे पैदा हो गया बेटे? अलग ही है। और है ना, सच्ची में किसी दुनिया में किसी से भी पंगा ले लो, वो लप्पू वाली आंटी के साथ बिल्कुल मत लेना। क्या बात कही उसने, अगर आके बच्चों को पूछे कि भाभी कैसी, तो बोलते जय, तो चटक लो। वो जो उनके आंसर्स होते हैं ना, वो मजा आ रहा है सुनने में लोगों को। न्यूज चैनल पे बिठा दिया है उन लोगों को, डिबेट कर रहे हैं वो लोग। माँ कर, मुझे लगता है बहुत सारा पैसा कमा ले। वो रेडियो के शोज में गए हैं इन्होंने, मेरे को सीमा का पता नहीं, वो लप्पू आंटी सीमा से ज्यादा फेमस हो गई इतने कुछ ही टाइम में, और शायद पैसा भी उसने बहुत ज्यादा कमा लिया है खतरनाक तरीके से। यार क्या बोलना, और लड़की के भाई के साथ दोस्ती करने का क्या ही फायदा अगर पटा नहीं सकते थे, और इतना फायदा देख के दोस्ती कर रहे।
और कलयुग मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निया लेचा, बाय।